बच्चे को ज़्यादातर माँ बाप की ज़्यादा चीखा चीखी या ज़्यादा लाड प्यार बिगाड़ देता, तो इसलिए इत्तेदाल हो, मारे भी एक बार जब मारना हो तो, और इस तरह की सजाएं दे उसको। देखो मारना जो है ना, ज़र्बे शदीद की तो इजाज़त नहीं है, बार 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 ये माएँ बहुत चीखती हैं। वैसे बेचारी नाकिसात, आमतौर पर औरत तो नाकिसुल अक्ल कहा गया इसको, इनमें होती कम है, बेचारियों को गुस्सा बहुत आवे, बच्चा भी सताता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनको जब्त करना नहीं आता, हिकमत अमली से बच्चे को राम करना नहीं आता, बात बात पर चीखती है, बात बात पर अपना भी गला फाड़ती है, ब्लड प्रेशर की मरीजा हो जाती है टेंशन की वजह से कि मेरा बच्चा यूं करता है, तेरा बच्चा यूं करता है तो तू भी तो काम पीछे है भाई, दोनों मिलके ही तो बदतमीजी के रगड़े तानते हो, एक सुर ये निकालता तो दो सुर तू निकालती है, ओ लगी फिर मामला सारा मोहल्ला गूंज रहा होता है फिर। अब मामला पूरे दिन का है ना, और एक दिन का नहीं है, कई दिनों का नहीं है, माहाना और सालाना ये है। अब मर्द तुझ बाबा सुबह चला गया, रात को आता है, उसमें भी वो थोड़ा इसको वो मतलब के मूड खराब होता है बादों का, तो बच्चे इतना ज्यादा करते ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक तो अब जब्त नहीं हो पाता। एक दिन जब्त कर ले, दो दिन जब्त कर ले, दस दिन जब्त कर ले, बच्चे बहुत तंग करते हैं पापा, अब नहीं जब्त होता, अब टूट जाता बंद। तो इसीलिए तो जब ये लंबा पीरियड है ना, तो इसीलिए तो हिकमत अमील ने कभी कभी सजा दे, ये रोज रोज सजा देने का अंजाम आपने देख ही लिया, बच्चा तो गिट हो गया नहीं मानता, कभी कभी सजा दोगे तो मानेगा। अच्छा फिर बच्चों को कब प्यार देना चाहिए, कब इनको डांटना चाहिए, यह भी नहीं पता होता, इसलिए भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी नफ्सियात जो है ना, बच्चे की परखनी चाहिए, बच्चे की अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई भी हो, हौसला अफजाई भी नहीं होती। अच्छा बच्चा बेतुके सवालात करे तो इस पर भी उसको डांट पड़ती है, ये बहुत नादानी है, ये बच्चा पालना नहीं आता ऐसों को, कि जो बच्चों के सवाल पर मुतमईन नहीं करते बच्चों को, तो मुतमईन करना पड़ेगा, नहीं मुतमईन करोगे तो ये वसवसे पालेगा और कुछ का कुछ ये अपने तौर पे जवाब इसका बना लेगा। तो इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो, बच्चा भले जो सवाल ज़्यादा करता है ना बच्चा, ये इस बात की अलामत होती है कि ये बच्चा ज़हीन बहुत है, आगे बढ़ेगा और ये ज़हीन बनेगा। तो अब माँ बाप तो वो बेचारे वो लठ होते हैं अक्सर, तो जवाब देते नहीं बच्चे को सही, तो वो बच्चा फिर बदज़न होता है। अच्छा फिर आप अगर इसको इसकी नफ्सियात के मुताबिक प्यार नहीं देते ना, तो बाद औकात कोई अड़ोसी पड़ोसी उसको प्यार दे देता है, तो ये फिर उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, फिर उसके नताइज जो है वो बाद औकात भयानक आते हैं। तो इसलिए अपना बच्चा अपने पास हो और इसकी ज़रूरियात पूरी हो और नफ्सियाती तौर पर भी वो अपने से बिल्कुल मुतमईन हो, क्योंकि वो अपने पीछे तो आएगा, माँ बाप के पीछे तो आता ही है, वो जाएगा कहाँ बेचारा, लेकिन आगे चलकर आज ये आम शिकायत है कि शादी के बाद बेटा बीवी का साथ देता है, मेरा साथ नहीं देता। माँ की ये मैं कहूँ कि अगर शादी के बाद ये शायद अगर 99% ये मतलब शिकायतें हो तो शायद मुबालगा कम हो, हर घर में तकरीबन शिकायत है कि बेटा जो है बस मेरी बहू ने कुछ कर दिया है, अब मेरे को जवाब नहीं देता, उसका साथ देता है या चुप हो जाता है, ये इतना सताती है, इसको कभी इसने डांटा नहीं है मेरे से। तो अब आप इसमें समझ जाओ कि बेटा क्यों मतलब आपको साथ, बेटा जवान है उसकी सोच है अपनी, तो आपने बेटे की या तो परवरिश गलत की है या अब शादी के बाद आपने, क्योंकि अब जिसके साथ उसने ज़िंदगी गुजारना है वो उसके शरीक हयात है, आप रिटायर हैं, अब शरीक हयात वो है, अब आपको अपनी सीट संभालनी चाहिए। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।